इस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ५०० वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई, पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें, लेकिन
संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसाद होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया, स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सबके लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है, यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सबके लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सबके लिए आज का यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है
जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संतगणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगी आदित्यनाथ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगे और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत उनका भी एक उद्गार होगा। बहुत ही संक्षिप्त संभाषण है सबका और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कुछ शब्द। श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी सहित उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, भारत के आदरणीय और जनप्रिय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरज जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया, 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं यार, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है, लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है, सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सिया राम मय सब जग अजानी, सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह
व्यावहारिक जगत के, जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकाल निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है उनके हाथ से हो रहा है, ये और एक आनंद है। और इसलिए उन सब का स्मरण होता है, लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना, लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है, उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है, प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है, हम शुरू करें हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है, कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस विग्रह, जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसके ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए, और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सबक जी तुम ही रहू उरलाई, तेही के हृदय रहू रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त, दुनिया की माया कैसी भी हो उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ, और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को
अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा वो यहाँ खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रकटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहाँ बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और जो मेरे मन में इस समय विचार आए उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना संकल्प की बात, जिस संकल्प की चर्चा मैं बराबर करता रहा, संघ प्रमुख ने वो संकल्प लिया है, पूरे देशवासियों का संकल्प, और उस संकल्प में एक समर्थ भारत, एक श्रेष्ठ भारत जो 130 करोड़ भारतीयों का है। संकल्प बहुत ही मूल्यवान होता है और उस संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता भी बहुत जरूरी होती है। और संघ प्रमुख के बाद अब देखते हैं कौन से विशिष्ट जन संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन का सबको इंतजार है। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धालु प्रेमी श्रद्धेय महानुभाव, सर्वमुख दर्शन दे रहे सभी राम भक्त महानुभाव संतजन प्रेमीजन भक्तजन, बड़े हर्ष का विषय है। अब समय आ गया है, बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे, मंदिर कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा मनोरथ इच्छा है शीघ्र अतिशीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए तन मन धन अर्पण करने के लिए सभी तैयार हैं। मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निश्चित ही आप समझ दिव्यता और भव्यता के साथ शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होगी। मंदिर का निर्माण समय पर प्रारंभ हो गया है। अब भारतीय जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना हो जाना चाहिए। यही जनता की इच्छा है, यही भगवतों की बात है। वास्तव में यह अभिलाषा भारत में रह रहे विश्व में रह रहे हिंदू भारत की ये अभिलाषा है, उनकी भावना है कि हम अपने आँखों से शीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का अवलोकन करें। इस प्रकार की इच्छा भावना को सभी लोग संजोए हुए इसी संकल्प को लेकर के सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है भूमि पूजन के माध्यम से
उस महान कार्य का, उस महान संकल्प का, भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों की भावनाओं का श्री गणेश शुभारंभ हो गया है। अब तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण होगा ही, वह भी देवता देवता के साथ होगा। अब हम यही आग्रह करेंगे, अब विलंब के ही काज, अब विलंब नहीं करना चाहिए। अब सारे भक्त एक ईंट की बात है, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, सोने की ईंट देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में भक्तों की, संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम योगी जी से, मोदी जी से आग्रह करेंगे इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दें, जिससे भक्तों की भावना, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है, मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है, मंदिर का निर्माण लोक जीवन का, तो लोक कल्याण का निर्माण है। इसलिए मंदिर का निर्माण का आज शुभ संकल्प हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, ये बड़े हर्ष की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए, जिससे भक्तों की भावनाओं की पूर्ति हो। मंदिर निर्माण के लिए लोग ईंटें दे रहे हैं, चांदी की ईंटें दे रहे हैं, लोगों ने दिए और दे रहे हैं कि मंदिर में हमारी ईंटें लगाई जाए। तो इस प्रकार से हिंदू जनता की भावना, उनकी इच्छा, उनका मनोरथ यही है कि जल्दी से जल्दी दिव्याति दिव्य, भव्याति भव्य मंदिर का निर्माण हो। और हम अपनी आंखों से, लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण देख लें, इसी प्रकार से इसीलिए इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज बड़ा सुंदर शुभ अवसर है। श्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने श्री गणेश कर दिया है, भूमि पूजन कर दिया है, निश्चित ही अब भूमि पूजन हो गया है, जो मंदिर का निर्माण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। ये संकल्प, ये भी एक संकल्प है, तो संकल्प शुभ हो तो उसकी पूर्ति जरूर होती है। और इसके साथ ही आज एक शिला अब मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। माननीय, मैंने बताया था कि केवल इतना लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ पूजन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, डॉक्टर मोहन राव भागवत माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में आज के दिन संपन्न हुआ, इतना ही लिखा है। मैं निवेदन करता हूं कि वो शिला पट का अनावरण, यह बटन है, कर दें। प्रधानमंत्री का संबोधन जिसका इंतजार है, और उस संकल्प की कुछ कड़ियां पूरे देश के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, और निश्चित रूप से उस संबोधन में उस संकल्प का जिक्र वो जरूर करना चाहेंगी। मंच पर उपस्थित प्रधानमंत्री जी और वो इस शिलापट का ये वो उन्होंने शुभारंभ, ये अनावरण कर दिया है। मंगल ध्वनि जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम का उद्बोधन। और प्रधानमंत्री के मन में वो कई बातें जो उठ रही होंगी जब वो संकल्प ले रहे थे। पुरोहित मंत्रोच्चार के बीच निश्चित रूप से उसका वो जिक्र करेंगे। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के मॉडल पर एक डाक टिकट जारी कराया है, 5 रुपया मूल्य का। आप सब लोगों को अयोध्या शोध संस्थान या हमारे से प्राप्त हो सकेगा। मैंने पूछा था, पता लगा है 15 लाख डाक टिकट जारी हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक दूसरा कवर है,
संसार में, यूरोप में जहां जहां भगवान राम की उपासना होती रही उनके स्वरूपों पर एक कवर भी उन्होंने जारी किया है। 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। पांच लाख से अधिक डाक टिकट पूरे देशवासियों की सुलभ होंगे और कई औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। काष्ठ की 3 फीट ऊंची कोदंड राम की प्रतिमा कर्नाटक राज्य से लगभग 6 महीने में तैयार हुई है, भेजा गया है, समर्पण किया गया है, ये भी एक संकल्प है। प्रधानमंत्री जी को वो सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं चंपत राय जी, और ये बहुत ही खूबसूरत श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की उस मूर्ति का जिसे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को भेंट की गई है, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ ये समाज आपका मार्गदर्शन चाहता है। और अब प्रधानमंत्री जी सीधे पहुंच रहे हैं उस स्थान पर जहां से वो संबोधित करेंगे न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि देशवासियों को। ये उद्गार प्रधानमंत्री के मुंह से बस कुछ ही क्षण में। भविष्य की वो संकल्पनाएं, वो सोच, पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियाराम जय सियाराम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहन राव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदय पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था क्योंकि राम काज किनु बिनु मोही कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे
एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है, आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सियाराम, जय सियाराम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां
राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धूल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है श्री राम, भारत की मर्यादा है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा, और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी, कितना कुछ बदल जाएगा यहां। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की यह प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, यह महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल
युगों युगों तक दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का यह कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर, पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान,
क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी है, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्ययुग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है, उड़िया में रुईपाद कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। साथियों,
दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाक फ्रालाप रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। इसी को समझते हुए आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है, अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। यहां राम कह रहे हैं मेरी जन्मभूमि अयोध्या अलौकिक शोभा की नगरी है। मुझे खुशी की आज प्रभु राम की जन्मभूमि की भव्यता दिव्यता बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा
नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयति है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना, किसान पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभी ऐते बुभूष से, बुजुर्गों की बच्चों की चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई, जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ही संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित बिचारी, अर्थात राम समय स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोर से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी
और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं, कालम तान इंड इनुम इरितु पोलाम, भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। वैसे कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात है, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देशवासियों को प्रभु राम, माता जानकी स्वस्थ रखे, सुखी रखे, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना राम का संकल्प और प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प का उद्बोधन किया और उस उद्बोधन के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दिया और उस संदेश का मतलब साफ है, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ पूरे विश्वास को लेना है सबके साथ। और इन सारे मूल मंत्रों की जड़ में एक है, वो है राम का आदर्श, जहां भय की भी बात है और वो नीति के तहत है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, जो एक नया संकल्प है भारत का, उसको भी प्रधानमंत्री ने याद किया, जिक्र किया और पूरे देश का उसके लिए साथ मांगा। और इन ढेर सारे बातों का क्या मतलब है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि पराशर जी। रवि जी, एक बार फिर काफी देर बाद हम आपका इस पर एक विश्लेषण चाहेंगे और बहुत ही छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे। रवि जी, प्रधानमंत्री जी का संदेश और संघ प्रमुख का संदेश साफ है कि जो भारत के सामने चुनौतियां हैं वो स्पष्ट हैं, और रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलते हुए इन चुनौतियों का सामना भी भारत करेगा। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सार गर्भित संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, और उन्होंने पूरे संबोधन में किसी नकारात्मकता की तरफ कुछ भी इशारा नहीं किया, बल्कि भविष्य के भारत की तस्वीर वर्तमान में जो काम हो रहे हैं उनके माध्यम से, वर्तमान के संकल्पों के माध्यम से भविष्य के भारत की एक समृद्ध वैश्विक तस्वीर जारी करने का प्रयास किया। बहुत संक्षिप्त में मुझे कुल मिलाकर यही समझ में आया। सुधा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? संकल्प है जहां सबको साथ लेके चलना है, इसलिए विरोध और उसमें सीमित, कोई भी सीमित दायरा भी जो है वो अब ये देश बांधने को तैयार नहीं है, क्योंकि राम राज्य की संकल्पना में सबका विकास है। इसके बड़े मायने हैं, जिसको संघ प्रमुख ने भी कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा। सुधा जी, देखिए बहुत सही कहा, क्योंकि सबका विकास और जब तक नहीं होगा जब तक सबका साथ नहीं होगा जी, और उसमें चाहे कोई भी मुसीबत आए जी, परिवार, क्योंकि राष्ट्र एक परिवार है, हमें सबको मिलकर के हर परेशानी का सामना करना है, जो कि सदियों से जब जब भारत पर कोई संकट आया है तो सभी भारतवासी एक रहे हैं। आज एक राम राज्य का उदय होने जा रहा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से राम राज्य में सभी लोग अपने आप को पूर्ण रूप से सुखी रखते थे, तो आज इस मंदिर निर्माण के साथ साथ मर्यादा
पुरुषोत्तम की मर्यादा को भी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जिसमें हर चरित्र को बखूबी से देखा और समझा जा सकता है। एक पिता उसका क्या है, एक पुत्र उसका क्या है, एक पत्नी, एक माता और एक प्रजा और एक राजा, इन सभी मर्यादाओं का पालन राजनीति और धर्म नीति के समन्वय के साथ हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। यही अपने उद्घोषण में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सरसंचालक मोहन भागवत जी ने बखूबी बड़े सरल शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की है, और मैं भी यही आशा करूंगी और विश्वास दिलाऊंगी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कि जितने भारतवासी, करोड़ों भारतवासी आज सुन रहे हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं, जब घंटा बजता है तो घंटे की नाद से सभी का मन उमंग से होता है कि हम भी इस घंटे को बजाएं और इसकी प्रतिध्वनि को महसूस करें। आज जितने भी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ में शामिल हैं, हम सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे और इस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। आप दोनों ने हमारे साथ लगभग 3 घंटे बिताए और ढेर सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस भी किया, और रामराज्य के उस संकल्पना पर और अयोध्या से उन सारी जानकारियों के साथ, लाइव तस्वीरों के साथ रवि जी और सुधा जी हमारे साथ जुड़े रहे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का जिक्र करते हुए कि हम तीनों पूरे जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के साथ लाइव रहे उस कार्यक्रम को देखने के लिए जिसका इंतज़ार हमें कई दशकों से था, और इसके बाद के सारे वो अपडेट्स और सारे जानकारी के साथ हमारे वर्चुअल स्टूडियो से सहयोगी अनु सिंह आपके साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी आपका। और आज अयोध्या में इतिहास रचा गया है। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जैसे पत्थर पर श्री राम लिखकर राम सेतु बना, वैसे ही घर घर से आई शिलाएं श्रद्धा का स्रोत बन गई हैं। ये ना भूतों ना भविष्य थी, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ये शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। साथ ही भारत की अनेकता में एकता का पर्याय राम मंदिर निर्माण को बताया है। ये जश्न न सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहा बल्कि जगह जगह देश में कई जगहों पर भगवान की पूजा आराधना की गई, पूजा अर्चना की गई, इस बाबत कई आयोजन किए गए। ऐसा ही एक विशेष आयोजन ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी वन में हुआ, जहां गौर सन्स ग्रुप की ओर से अयोध्या में हुए भूमि पूजन के ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान खास पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। इस बीच गौर सन्स ग्रुप के MD मनोज गौर और उनकी पत्नी और गौर सन्स की डायरेक्टर मंजू गौर ने राम मंदिर के शिलान्यास में खुशी जाहिर की, पूजा अर्चना की और एक चांदी की ईंट भी दान की। इस दौरान क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। ये शायद हमारा सौभाग्य है कि हम उस टाइम में पैदा हुए हैं कि जब एक 500 साल से जो चीज़ जो नहीं हुई है वो हमारे सामने हो रही है, और श्री राम मंदिर का शिलान्यास शायद हो भी चुका होगा अभी जो है अयोध्या के अंदर, तो उसी के लिए आज मंदिर में जो है श्री राम जी की जो है पूजा हम करने आए थे, और एक छोटा सा उनके जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है तो एक छोटी ब्रिक चांदी की जो है वो आज अभी यहाँ पर श्री राम के चरणों में अर्पित की है, और उसको जो है वहाँ पे अयोध्या भिजवाएंगे। इसी तरह अलग अलग कार्यक्रम और प्रतिक्रियाएं आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी खुशी जाहिर की है इस शिलान्यास कार्यक्रम पर, क्या शुभकामनाएं दी हैं, ये भी सुनिए। श्री राम जन्मभूमि पर आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। आज पूरे भारतवर्ष की जनता आह्लादित है और उसकी आकांक्षाएं पूरी होने जा रही है। आज के दिन बाला साहब देवराय जी, अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस दास जी, ये अशोक सिंघल जी और वो हुतात्मा जो वहाँ अपनी जान की बाजी लगाए थे, उन सभी की आत्माएँ प्रसन्न हो रही होंगी। हम लोग भी प्रसन्न हैं क्योंकि अनेक बार इसके लिए जेल की या यात्रा किए हैं। मुझे लगता है कि भारत समग्र
में हम सब अपने को मानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भूमि पूजन किया। उनके लिए गौरव का क्षण है और पूरे देश के लिए भी यह गौरव का क्षण है। जय श्री। तो ऐसे ही आगे प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते रहेंगे, जहां भव्य राम मंदिर के लिए शिलान्यास हो चुका है और अब मौका होगा भगवान राम के उन पावन गीतों को सुनने का भी। और उसके लिए भी जनसत्य न्यूज पर आप जुड़े रहिएगा, एक लोक गायिका हमारे साथ जुड़ेंगे और भगवान राम की भक्ति से सराबोर गीतों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी ये पेशकश जारी रहेगी और आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और सुनिएगा भगवान राम के पावन गीत।